3, 2, 1. Hey guys, हम लोग जा रहे थे अक्सा बीच और मेरा तो फुल प्लान था कि मैं कुछ ना कुछ शूट करके आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ पे है। मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ जस्ट अभी कुछ स्पॉट किया है और अगर ये वही है ना तो इट्स गोना बी रियल फन, बिकॉज इसके लिए मैं काफी टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं जाके आप लोगों को बताऊंगी। और लेट्स सी कि ये सच में वही सरप्राइज है कि नहीं। आई एम सो एक्साइटेड, वेट, आई विल शो यू। Guys, seriously, ये सरप्राइज इधर ही है। खांडो खाने वगैरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इधर ही है ये सरप्राइज। And it's so beautiful to watch them. Wait, I'll show you. आगे आओ। If you see guys, ये सारे के सारे फ्लेमिंगोज हैं। So many of them. So ये जो पिंक कलर के बर्ड्स हैं, ये गुलाबी रंग के जो पक्षी हैं, इनको फ्लेमिंगोज कहा जाता है, जो नेचुरल हैबिटेट में सेलाइन मड फ्लैट्स रहते हैं उसमें पाया जाता है और इसलिए ये इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग द माइग्रेशन पीरियड। और माइग्रेशन पीरियड में ये इंडिया में आंध्र प्रदेश, गुजरात और मुंबई में भी, इनफैक्ट नियर भांडो, नियर थाने, जहाँ पे भी मड फ्लैट्स हैं वहाँ दिखते हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात ये है कि इनको ये मड फ्लैट्स का जो हैबिटेट है ये मलाड के क्रीक रोड में भी मिल गया। सो मेनली ये श्रिम्प के लिए भी आते हैं, जहाँ पे इनको माइग्रेशन के टाइम पे जहाँ पे एक स्टॉप चाहिए रहता है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। और आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि ये मलाड जैसे एरिया में भी आ गए और उनको ये जगह मिल गई और ये हज़ारों की तादाद में एक साथ माइग्रेट होते हैं। और यूजुअली ये जैन से मार्च तक दिखते हैं इन वेरी बिग क्वान्टिटी, हावेवर ये मे में भी दिख रहे हैं और साथ ही में इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी है अब इंडिया में। यूजुअली लोग भांडो थाने साइड जाते हैं देखने के लिए, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन मलाड दैट आई एम सीइंग दिस। आ गया मेरा फेवरेट सैंडविच, ये आई एम गोना एंजॉय एवरी बिट ऑफ दिस। चना चाट सैंडविच, भजिए, कॉर्न, गोला, कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गए विथ एन अमेजिंग सनसेट एंड अमेजिंग व्यूज। बहुत सारा शोर ऑफ कोर्स और अमेजिंग विंड शुरू हो गई आफ्टर द सनसेट एंड फाइनली लिटिल कूल ऑफ हुए और अच्छा लगा आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वापस से बीच जाके। लग रहा था ऐसे कि जैसे बारिश होने वाली है लेकिन नहीं हुई, पछता हो गया उस मामले में, लेकिन इट वॉज अ ब्यूटिफुल व्यू, वेरी ब्यूटिफुल सनसेट। आई नेवर एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग सनसेट्स एंड बस यही था। और तो कुछ अच्छे शॉर्ट्स भी लिए थे मेरे हस्बैंड ने उनके एक्सट्रीमली न्यू फ़ोन से, क्योंकि उसी दिन, दैट वेरी डे, इनका फ़ोन, मेरे हस्बैंड का फ़ोन डिलीवर हुआ था एंड दैट वॉज द मोटोरोला X50 Pro। तो ही वॉज एब्सोल्युटली एंजॉयिंग टेकिंग ऑल द शॉर्ट्स एंड टेस्टिंग हिज कैमरा आउट एज वेल। इसके बाद हम गए थे, ऑन द वे हमने मेरी सेल्फी स्टिक रिपेयर करवाई और रिपेयर एज इन बैटरी उसकी डलवाई एंड देन दैट्स इट। यही था आज का हमारा दिन, बेसिकली नथिंग मोर देन दैट, देख लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, इवन वन बिट, देन यार प्लीज़ लाइक तो बनता है, एक लाइक तो करके जाना ही जाना। और कम्युनिकेट विद अस, टॉक टू अस, कमेंट करना। मेरे हस्बैंड कैमरा पे आना नहीं पसंद करते, बट आई एम श्योर ही इन्जॉयज़ रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स, सो डेफिनेटली डू लीव अ कॉमेंट एंड
लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लोर एनी पार्ट ऑफ द सिटी, आई वुड बी हैप्पी टू कवर सो, बिकॉज नाउ आई डू हैव माई सेल्फी स्टिक ऑन अगेन, तो मैं वो भी कर सकती हूँ. और ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को थोड़ा सा ठीक करवाया, इसकी जो स्क्रैच गार्ड थी वो डलवाई. सो आई फाइंड दिस प्रोसेस वेरी सैटिस्फाइंग, आई लव वॉचिंग इट, एंड दैट्स वॉट ही इज़ डूइंग हियर, इज़ जस्ट गेटिंग द स्क्रैच गार्ड ऑन. और दैट्स इट, बस बाय, टेक केयर, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में बहुत जल्दी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, प्लीज़ प्लांट्स के लिए भी पानी रखिए, साथ ही में बर्ड्स के लिए पानी रखिए. इट्स वेरी डेवस्टेटिंग टू सी द प्लाइट ऑफ द बर्ड्स इन दिस रियली हॉट समर. इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग द हाइएस्ट एवर टेम्परेचर इट हैज़ एवर सीन. सो प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्लीज़ लीव देम वाटर, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरी वन अराउंड यू एंड योर लिटिल बिट, जो भी तुम्हारे पास पौधे होंगे ना उनको भी ध्यान रखो प्लीज़. और जल्दी से मिलते हैं फिर, बाय.